कर्मयोग नहीं, कर्मयोग तो तीसरा अध्याय है। नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज जो है 20 मार्च, घर में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय, ये भागवत दर्शन प्रथम खंड जो है उसमें से हमने लिया है। 7वें स्कंद में यानी महर्षि का जो प्रवचन है, आठवें स्कंद तक प्रथम खंड में है। तो 7वें स्कंद के प्रत्येक स्कंद के पेजेज जो हैं वो नए एक से शुरू है। तो 7वें स्कंद के 52, 53, 54 तीन पृष्ठों में से ये सामग्री संकलित की है। घर में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि महाराज, असल में सुखी तो ये अवधूत लोग ही हैं। युधिष्ठिर ने, हाँ यानी इनको, इनका भी दर्शन हुआ था, दत्तात्रेय का भी है ना। तो दत्तात्रेय अवधूत उनके समय में, दिस इज महाभारत टाइम गोइंग बैक 5000 ईयर्स, तो 5000 साल पहले की। तो उस समय दत्तात्रेय जी थे, तो युधिष्ठिर ने देखा जीवन क्या मस्ती दत्तात्रेय की, और कुछ नहीं, वो कह रहे हैं हम तो राजा हैं, आगे बताएंगे। असल में सुखी तो ये अवधूत लोग ही हैं, हम सम्राट हो गए तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। तो अब नारद जी को कह रहे हैं, इसलिए आप ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे हम लोगों को भी यही मस्ती यह आनंद मिल जाए। मस्ती और आनंद तो हर कोई चाहता, क्योंकि अपना स्वरूप है ना आनंद, पर वो जो स्वरूप है उसके ऊपर आवरण है, आज 5वें अध्याय में आएगा, वो आवरण के कारण उसका जो है आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। बाकी समस्याएं बहुत सारी अनुभव में आ रही है ना, दुख कष्ट ये सब अनुभव में आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि वो मस्ती वो आनंद, सम्राट हैं हम, तो सम्राट है वही एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि सम्राट है तो उसको यू हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, नारद जी ने कहा, युक्ति पूछी है ना संत को, नारद जी इज अ सेंट। नारद जी ने कहा अच्छा, मैं तुमको ऐसी बात बताता हूँ कि आदमी रहे तो घर में ही, लेकिन उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति का मतलब वही मस्ती और आनंद। परम पूज्य महाराष्ट्र यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अब ये युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में बात हो रही है ना, हम लोग अपने पर घटाएंगे। तो कह रहे हैं कि वैसे ये विचार बहुत बढ़िया है, घर में परमात्मा मिल भी सकता है, क्योंकि नारद जी ने कह ही दिया कि मैं बताने जा रहा हूँ, पर सावधान कर रहे हैं महाराषि, लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि ऐसी बात है तो परमात्मा बेवकूफ नहीं है। तो फिर यहाँ ये बात क्यों आ रही है नारद जी युधिष्ठिर के बीच में, तो महाराषि आगे बता रहे हैं, युधिष्ठिर जहाँ भगवान को घर में ही पाना चाहते हैं, वहाँ उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित है। यानी ये युधिष्ठिर को क्यों बता रहे हैं नारद जी कि इनका इनका जीवन समर्पित है, इसलिए इनके लिए संभव है, अगर आगे मैं जो बातें बता रहा हूँ वो ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। पर महाराषि हम लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ छोड़ने नहीं चाहते, हाँ ईश्वर बेवकूफ नहीं है। तो कह रहे हैं कि देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, श्याम जी को जाना है, नहीं जाना। अच्छा, तो राजा शंख करके महर्षि ने एक चरित्र लिखा है, मैंने इसको दिया भी कमल को, वो पुस्तक ले लेना, छोटी सी है, भक्त चरित है ना, ऐसे ही है ना नाम उसमें, हाँ जो भी है, पर ये राजा शंख का पढ़ना। पुस्तकें तो सब है अपने पास, पर ये जो बता रहे हैं ये बात इतनी बढ़िया महर्षि ने उसमें दिखाई है कि महर्षि के शब्दों में ही आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उसका मैंने फिर एक पृष्ठ बनाया, हालांकि 20 पृष्ठ का वो है, पर वो 20 पृष्ठ का हमको सोचा कि उसमें जो मुख्य बात थी वो हमको लेनी थी, तो उसको हमने फिर लेने के लिए उसका एक वो पृष्ठ बनाया। तो राजा संघ का क्या हुआ कि वो भगवत भक्त थे जबरदस्त, और इतनी भक्ति
और दर्शन की लालसा इतनी मतलब प्रबल। अब दर्शन देवी नहीं भगवान, महाराज ने वहां लिखा है कि जो एक नाम से रीत जाता है और वो इनको इतने बड़े भक्त को दर्शन नहीं दे रहा है, तो इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर है। भगवान तो कोई भी लीला करेंगे तो उसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य रहेगा। तो महाराज वहां समझाते हैं कि राजा शंख में कोई और उत्कृष्टता भगवान मतलब प्रकट करना चाह रहे हैं, तो वो उत्कृष्टता प्रकट करने के लिए ये लीला हो रही है कि दर्शन उनको नहीं दे रहे। तो फिर आगे महर्षि लिखते हैं कि क्या हुआ कि उनको स्वप्न में एक आदेश मिला। वो आदेश क्या मिला, एक पर्वत का नाम लिया कि तुम यहाँ जब तपस्या करोगे तब मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो राजा शंख ने जैसे ही हाँ निकल नहीं वहां जो महर्षि की मैं निकलता हूँ मेरे को दे। तो वहां महर्षि कहते हैं कि वो छोड़ने वाली बात कही ना इसलिए मैं बता रहा हूं। साधना में त्याग किए अनिवार्य कम। तो अब देखिए वहां जो महर्षि ने शब्द प्रयोग किए हैं बहुत ही जबरदस्त। राजा शंख को जैसे ही ये हुआ मतलब आदेश स्वप्न में, भगवान अदृश्य रूप से राजा शंख को कहा भगवान ने कि अब तुम वेंकटाचल पर्वत पर मेरा भजन करो, वहां तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य होगा। अब देखिए वो तो राजा है ना, तो इतना सब ठाट बाट और ये सब। अब आगे महर्षि का सुनिए, जो भगवान के प्रेमी हैं, जिनका हृदय सचमुच भगवान का रूप रसपान करने के लिए उत्सुक है, उनके लिए तीनों लोकों की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं। ये देखिए ये प्रेम जो कल ही आया था शायद भगवत हरे ग्रास में, अनुरक्ति विरक्ति और ब्रह्मानुभूति। तो महर्षि क्या कह रहे हैं, अनुरक्ति इतनी हो गई कि ये विरक्ति सहज है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां दर्शन देंगे तो मैं दर्शन ले लूंगा, वेंकटाचल पर्वत नहीं जाऊंगा। कह रहे हैं महर्षि जो भगवान के प्रेमी है, ये अनुरक्ति की पराकाष्ठा, जिनका हृदय संचुच भगवान का रूप रसपान करने के लिए उत्सुक है, तो वहां विरक्ति हो ही गई संसार से, तो उनके लिए, ये विरक्ति का स्वरूप बता रहे हैं, उनके लिए तीनों लोकों की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं। इन तुच्छ वस्तुओं के त्याग में उन्हें किसी प्रकार का विचार नहीं करना पड़ता, यह तो प्रेमियों की मनचाही बात है। यानी वो तो इतना प्रेमी है कि स्वप्न में आदेश दे दिया वेंकटाचल पर्वत में दर्शन दे दूंगा, तो ये तो प्रेमियों की मनचाही बात है। अवसर पाते ही वो भाग निकलते हैं, और यदि भगवान की प्रेरणा प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। यानी वो तो बिना प्रेरणा के ही भाग निकलते हैं, तो यहाँ तो इसको तो भगवान की प्रेरणा प्राप्त हो गई कि मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा। तो इसलिए महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ तो लेंगे हम पर पढ़ के फिर दूसरों को सुना भी देंगे, पर अपना एजेंसी तो चाहिए ही हमको, है ना। तो कह रहे हैं कि वैसे ही विचार बहुत बढ़िया है, घर में परमात्मा मिल भी सकता है, लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं। यदि ऐसी बात है तो परमात्मा बेवकूफ नहीं है। इसलिए यू मस्ट फॉरगेट अबाउट दिस कि घर में परमात्मा मिल जाएगा, आप अपने रहेगा, संसार रहेगा, एजेंसी भी मिलेगी। हाँ, इसीलिए जब वो मैत्रेय को छोड़ के याज्ञवल के संन्यास लेने लगे तो मैत्रेय ने पूछा, बोले कि आप जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा कर लो। मैत्रेय महाराज हम तो पुरुष हैं, मैत्रेय कह रही है, महाराज कह रहे हैं कि वो मैत्रेय का हमने वचन सुना बचपन में, महाराज ने जब ये पढ़ा बोले हमारे को कुछ हो गया वो सुन के कि भारत की नारी ऐसा बोल सकती है। बोले आप संपत्ति बांट रहे हैं तो आप जिसके लिए जा रहे हैं वो हमको इसमें प्राप्त हो जाएगा क्या। याज्ञवल्क्य के क्योंकि उनकी पत्नी थी तो जानते थे कि वो थोड़ी विदुषी हैं, दो पत्नियां थी, कात्यायनी थी तो वो तो जरा ग्रस्त में ज़्यादा थी, पर ये विदुषी थी। तो बोले दोनों को बुलवाया, बोले मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने और दोनों का बंटवारा कर देते हैं। मैत्रेय ने सीधा प्रश्न कर दिया
कि आप जो जा रहे हैं तो आप हमको कह रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा कर लो, तो ये जो आप हमको दे रहे हैं उससे हमको वो आनंद मिल सकता है क्या जिसके लिए आप जा रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य जानते थे उसका स्वभाव और उसका मतलब, घर में सत्संग तो वैसे होता ही होगा, पर इस प्रकार का प्रश्न करेगी ये इसको कल्पना नहीं थी उनको। तो उन्होंने साफ कहा कि संपत्ति से जो सुख मिलता है वो ही मिल सकता है, वो नहीं, साफ उन्होंने कहा। तो वो कहती है कि उस सुख का क्या फ़ायदा, उस सुख का क्या फ़ायदा जो कि मतलब जिसके जिसको आप त्याग करके जा रहे हैं, यानी अब आपकी दृष्टि में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और हमको कह रहे हैं कि आप बंटवारा कर लो, तो हमको तो वो चीज़ चाहिए ना जिसके लिए आप जा रहे हैं, तो वो तो उनको प्राप्ति थी। तो फिर उसको बैठाया और फिर वो बृहदारण्यक में उपदेश दिया उसको, मैत्रेयी को, कि जितना प्यार देख रहे हो दुनिया में वो सब स्वार्थ का है, जो भी आपसे प्यार कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उसके मन के अनुकूल हो, जिस दिन आप उसके मन के प्रतिकूल हो जाओगे बस उसका प्यार खत्म। वहीं देखिए ना, पति पत्नी शादी के बाद क्यों तलाक होता है? पहला तो एक मतलब एक ट्रेडिशन था कि भाई शादी तो शादी, पर अब आज के बच्चे पहले शादी के पहले ही सोच लेंगे कि सूट होगा तो ठीक है, नहीं तो डिवोर्स तो अपने, ये स्थिति आ गई। तो बता दिया वहाँ साफ उन्होंने कि जितना महाराष्ट्र ने भी कहा, बोले कि ये जो शादी होती है ना 2-3 साल बस प्रेम का जीवन होता है, बाकी जितना जीवन है सब कॉम्प्रोमाइज, समझौते का जीवन। शुरू के 2-3 साल जो है उसमें प्यार रहता है, बाकी पूरा जीवन समझौते का जीवन है। फिर महर्षि ने पूरे जो वहाँ उपदेश दिया है याज्ञवल्क्य जी ने, उसका एक वो निकाला, क्या कहते हैं, सूत्र। कभी भी ये भी पृष्ठ बनाना पड़ेगा, कभी भी इस भ्रांति में नहीं रहना कि कोई हमसे प्रेम करता है। अपने हृदय में किसी के प्रति प्रेम हो तो तुम स्वतंत्र हो, तुम भले प्यार कर लेना उससे, पर इस भ्रांति में कभी मत रहना कि कोई हमसे प्यार करता है। बहुत ज़बरदस्त है, यानी वो जो प्रेम है वो स्वार्थ का है, सिर्फ गुरु और ईश्वर। गुरु में भी सद लगाना पड़ता है, सदगुरु यानी महर्षि जैसे महापुरुष, उड़िया बाबा, ये जो ईश्वर से एक हैं, ईश्वर और सदगुरु का प्यार ही निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी जितना संसार का प्रेम है आपस में एक दूसरे से स्वार्थ का है। तो इसलिए महर्षि यहाँ बिल्कुल सावधान कर रहे हैं, देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने वो राजा शंख का पढ़ के सुनाया, और यदि ऐसी बात है तो परमात्मा बेवकूफ़ नहीं है। युधिष्ठिर जहाँ भगवान को घर में ही पाना चाहते हैं, तो युधिष्ठिर की विशेषता बता रहे हैं, वहाँ उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित है। इसलिए हम कितनी भी टीका टिप्पणी आप पे कर लें, पर हमको पता है कि आपका जीवन जो है वो समर्पित है, इसलिए हमको कोई मतलब वो नहीं है कि भाई श्याम जी कोई गलत काम करेंगे। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, घर में भगवत प्राप्ति चाहने वाला अपने सारे कर्तव्य कर्म करे परंतु भगवान को अर्पण करके। अब नारद जी को सूत्र देना है ना, तो घर में भगवत प्राप्ति चाहने वाला मतलब वो मस्ती और जो बताया कि ये आनंद हमको मिल जाए, तो बोले सबसे पहले तो ये करना है कि जितने हमारे कर्तव्य कर्म हैं, कल जो बात आई थी कर्मयोग की, भगवान को अर्पण करके, है ना। नंबर 2, सत्संग कभी न छोड़े। नंबर 3, भगवान की लीला कथा का इस श्रद्धा के साथ श्रवण करे कि यह अमृत है। यानी दूसरा जो भी है, अखबार या मैगजीन या कुछ भी उठावे तो बोले ये तो विष है, यहाँ नहीं लिखा है, मतलब कहने का मतलब इसको तो कम से कम अमृत समझे ना। वो तो चलो भाई पढ़ना है क्या हो रहा है, केजरीवाल वो बड़ौदा से लड़ रहे हैं हमारे आपके कौन मोदी बड़ौदा से, और ये आडवाणी जो है वो वहाँ से गांधीनगर मथुरा से हेमा मालिनी वो नहीं मालूम उनको, ये तो बड़े बड़े लोगों का है। ये कहाँ ले आए उसको अभिनेत्री को, आप भी गजब है। तो कह रहे हैं कि ये जो मैगजीन और ये अखबार है वो पढ़े पर उसको विष समझ के, अमृत जो है वो ये है भगवान की। तो
सबसे पहला पॉइंट कर्तव्य कर्म करें भगवान को अर्पण करके, नंबर दो सत्संग कभी ना छोड़े, बोले कि आज आगरा जाना है, बोले नहीं पहले गोपालगढ़ जाएंगे फिर जाएंगे आगरा, है ना, सत्संग कभी ना छोड़े, आदर्श है ना, भगवान की लीला कथा का इस श्रद्धा के साथ श्रवण करें कि यह अमृत है, है ना, ये नहीं कि यहाँ तो बैठे हैं और अपना मन आगरा चला गया, ऐसे नहीं, ये जो है ये अमृत है, तो आगरा भले विषय हो अमृत यही है। सत्संग द्वारा संसार की आसक्ति को छोड़ दे, है ना, सत्संग द्वारा संसार की आसक्ति को छोड़ दे, है ना, क्यों, क्योंकि आसक्ति तो नहीं छूट रही है, तो अब जब सत का संग, सत का संग मतलब हमारे सत स्वामी बैठे हैं, सत का संग का अर्थ ये है कि जहाँ महात्मा मिले उनका संग, वो न मिले शास्त्र, है ना, वो भी न मिले तो उनके जो शिष्य हैं साधक हैं, है ना, तो ये जो है सत्संग, इसकी धारा निरंतर चलती रहनी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि ये संसार की आसक्ति छूटेगी। कल आए ना एक एक भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, एक ग्रास, दूसरा ग्रास, तीसरा ग्रास, तो तृप्ति है और तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, है ना, तो अनुरक्ति विरक्ति और ब्रह्मानुभूति, ठीक है ना, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अब ये जो सत्संग क्या करेगा, अब संसार की आसक्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, सत्संग सत से इतना प्रेम हो गया कि वो अपने आप ही विरक्ति आ गई, साइमल्टेनियस चलता है, इधर की अनुरक्ति उधर की विरक्ति, राजा संघ का जो प्रेम है, तब देखिए तीनों लोगों की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं, तुरंत वेंकटाचल पर्वत में आगे का वाक्य है, चला गया उसने तपस्या की और दर्शन हो गए। अच्छा अब उसके आगे, भीतर से विरक्त रहने पर भी बाहर से अनुरक्त ही रहे, है ना, भीतर विरक्ति है, इसको कहते हैं योग को भोग में छुपा के रखते हैं, बाहर से तो लगता है कि महात्मा जी बड़ा भोग करते हैं और अंदर योग है, तो इसी को महाराज कह रहे हैं कि भीतर से विरक्त रहने पर भी बाहर से अनुरक्त ही रहे, है ना, बाहर कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमको बिल्कुल वैराग्य है और, है ना, तो बाहर से लीला करनी है, मतलब अनुरक्त रहे, मतलब सचमुच में प्रेम ना रहे उसे, जैसे हमारा ये करता है ना मोनू, इसके बेटे की लीला है और कुछ नहीं है, मम्मी को लगता है वो इतना प्यार करता है मेरे से और मम्मी भी कम नहीं है, अब मम्मी का भी ऐसे ही है, हाँ आज 4 दिन बाद फोन आया उसका, हमने कहा कुछ खास समाचार नहीं, गोपालगढ़ जा रहे हैं, स्वामी जी को प्रणाम कह देना, वो तो चाह ही रहा है ना कि मम्मी में विरक्ति आवे तो वो तो खुश हो गया कि मम्मी ऐसे कह रही है गोपालगढ़ जा रहे हैं और कोई समाचार नहीं है पहले से सोच गया कि शायद एक्टिंग कर रही है, पर बाद में पता लगेगा ये तो हमसे भी आगे बढ़ गई माँ तो हमेशा आगे रहेगी, ध्रुव ने कहा ना रोको रोको हमारा विमान रोको, हमारी माँ कहाँ है, बोले तुम्हारी माँ का जो विमान है आगे जा रहा है तो इसलिए महाराष्ट्र कह रहे हैं कि बाहर कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, बाहर तो तुम प्रेम ही करती रहो, बाहर से विरक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, अंदर विरक्ति होनी चाहिए, अब मनोरंजन तो बाहर से ही दिखाना शुरू कर दिया जितना प्रयोजन हो उतना ही स्वीकार करें, ये जो आखिरी है ना वाक्य उसको और आगे समझाएंगे, तो ये 5-6 पॉइंट 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बता रहे हैं नारद जी, बता रहे हैं युधिष्ठिर को, काल के प्रवाह में पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं, है ना, अब देखिए पति पत्नी का संबंध, यहाँ दो तो बैठे ही हैं हमारे, तो सूर्य चला गया उधर वंदना चली गई, तो काल के प्रवाह में पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं, अब ये एक ऐसा संबंध है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब दृढ़ता जिसमें क्या कहते हैं बंधन होता है, वो देखिए भगवान छुड़ा देता है, है ना, काल के प्रवाह में पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं, अपनी ओर से कोई जिद नहीं करनी चाहिए, घर में बेटा बहू एवं अन्यों से आसक्ति न रखें, वे जैसा कहें वैसा कर दें, क्योंकि उसकी अपनी, उसकी मतलब जो व्यक्ति इस मार्ग में चलना चाह रहा है, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई वासना है नहीं,
इसलिए जैसा घर वाले कहें वही सही। मनुष्य का संपत्ति पर उतना ही अधिकार है, ये ऊपर वाक्य आया था ना, जितना प्रयोजन हो उतना ही स्वीकार करें, उसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मनुष्य का संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितने से उसका भरण पोषण हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम संसार की वस्तुओं को, वस्तुओं के केवल संरक्षक हो सकते हो, सेवक हो सकते हो, परंतु तुम्हारी नहीं हो सकती। जैसे सारी प्रजा भगवान की है, वैसे ही सब की सब वस्तुएं भी भगवान की हैं। फिर युधिष्ठिर ने समझाया, सॉरी नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि अपनी पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है। युधिष्ठिर, यह शरीर एक दिन कीड़ा, विष्ठा अथवा भस्म होने वाला है। ये जो वाक्य आया ना भागवत का, उसको श्रीधर जी टीका वगैरह में और एक्सप्लेन किया है कि अपनी पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, तो वहाँ सेवा से ही मतलब है, और कोई अन्यथा न ले ले, तो इसलिए उन लोगों ने साफ कर दिया टीका के अंदर, क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है। तो इसलिए वो जब उसके लिए भी हमको, चलो अपने नौकर को तो सेवा में लगा देंगे, पर पत्नी को नहीं लगाएगा व्यक्ति, है ना, तो वो ये इसलिए युधिष्ठिर जी विशेष बात बता रहे हैं। राजा लोग थे ना ये, तो इसलिए युधिष्ठिर, ये शरीर मतलब द्रौपदी जो है उनकी पत्नी, तो वो तो राजा थोड़ी चाहेगा कि भाई द्रौपदी को लगा दो, कोई योगीराज जी आए तो चलो भाई द्रौपदी तुम उनकी सेवा करो, वो अपने किसी को कह देंगे, रामकृष्ण तुम सेवा में रहना, रामकृष्ण को ही तो कहेंगे, अपनी पत्नी को थोड़ी कहेंगे। पर ये कह रहे हैं, ये मतलब हिंट दे रहे हैं, पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। दूसरों की का मतलब जो भी उनको लगे कि भाई यहाँ सेवा वो कर सकती है, तो उसको, उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है, तो ममता कटती नहीं है ना, तो इसलिए उसको काटने का यही तरीका है। फिर अंत में कह रहे हैं, युधिष्ठिर, यह शरीर एक दिन कीड़ा, विष्ठा अथवा भस्म होने वाला है, यह शरीर अत्यंत तुच्छ है। फिर कहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीर में रमना, कहाँ पत्नी को अपना मानना, और कहाँ अपना अनंत आत्मा। यानी फर्क देखो, तुच्छ शरीर और पत्नी, है ना, तो शरीर और शरीर के बाहर पत्नी को ले लिया, पुत्र को ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, जिसमें भी अपनी ममता है, तो ये इसको कहते हैं मिथ्या अहम, और इसको, इसको मिथ्या अहम और इसको गौण अहम, और जो असली अहम है वो है आत्मा। तीन अहम हो गए, असली अहम आत्मा, मिथ्या अहम शरीर, और गौण अहम पत्नी, पुत्र, धन, ये सब मिथ्या, गौण। तो गौण और मिथ्या अहम को तो बिल्कुल त्यागना ही पड़ेगा। कहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीर में रमना, तो गया मिथ्या अहम गया। कहाँ पत्नी को अपना मानना, ये भी गया। अब क्या बचा, कहाँ अपना अनंत आत्मा, कैपिटल आई, है ना, तो उसको पकड़ लिया। किसने, नारद जी ने पकड़ लिया, का मतलब उसको युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि उसको पकड़ो, अनंत आत्मा को, इन तुच्छ चीज़ों को क्या पकड़ रहे हो। और पत्नी तो और भी, वो तो गौण में चली गई ना, मिथ्या आत्मा से भी बाहर है, शरीर जो है वो मिथ्या आत्मा है, और गौण आत्मा है अपने सगे संबंधी। तो ये वह आत्मा कितना बड़ा है जो आकाश को ढककर बैठा हुआ है, यानी तुम अपने आत्मा को देख ही नहीं रहे हो, इन चीज़ों के बारे में ही फंसे पड़े हो, जबकि वो आत्मा कितना बड़ा है जो आकाश को ढककर बैठा हुआ है। तो वो जो दत्तात्रेय अवधूत से जो इम्प्रेस हुए, तो वो तो उस अनंत आत्मा को जानकर उसमें आनंद ले रहे हैं ना, और तुम तो उसको भूले बैठे हो और इन्हीं चीज़ों में रम रहे हो, तो उसका आंखें खोल रहे हैं कि कहाँ तो ये चीज़ें, और कहाँ वो तेरा अनंत आत्मा जो आकाश को ढककर बैठा हुआ, यानी आकाश से भी विशाल है। हमको लगता है आत्मा मतलब ये छोटा सा इधर होगा, नहीं, वो आत्मा का जो स्वरूप है वो आकाश से भी सूक्ष्म है और उससे भी विशाल है। इसीलिए आत्मा ब्रह्म है, तत्त्वमसि जो है महावाक्य, वो यहाँ अब समझ में आएगा। तो उसी का मानो उपदेश कर रहे हैं। महर्षि ने हमको कहा ना, वह जो रस, वो जो मुकुंद, उसने कमल भाटिया ने, तुम्हारी मम्मी, मम्मी के भाई ने जो कथा करवाई थी, मामा जी ने, तो वो उसका वीडियो हुआ है, वो यूट्यूब में वो है, इसने देखा नहीं होगा ना, भागवत माता जी को तो सुना दी, पर महाराष्ट्र की भागवत
वीडियो है पूरी की पूरी, वो इसके मामा जी ने करवाई थी, एक ही है भागवत वीडियो में। भागवत बहुत की महाराषि ने, पर इसके मामा जी की ये इच्छा थी कि वीडियो टेक्निक आ गई थी कि आप जो है एक भागवत कर दीजिए ताकि उसको। तो उसमें जिस दिन राष्ट्र का प्रसंग था उस दिन इतना आनंद आया हमको, तो हमने महाराषि को कथा के बाद कहा कि आज की कथा तो अलौकिक थी। तो महाराषि ने बहुत बढ़िया बात सुनाई, बोले अलौकिक तो हम और तुम भी हैं, पर तुम मानो तब ना। तो यहाँ नारद जी उपदेश कर रहे हैं इसको युधिष्ठिर को कि आत्मा कितना बड़ा है जो आकाश को ढककर बैठा हुआ है, मतलब तुम अपने आत्मा को पहचानो ना, ये जो तुच्छ शरीर और इसी में पत्नी में जो रम रहे हो द्रौपदी और ये सम्राट राजा। तो देखिए वो राजा शंख को जैसे ही कहा चला गया विंटाचल पर्वत, तो वैसे ही ये उपदेश कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर गृहस्थ को चाहिए कि पहले यज्ञ करे, लोगों को खिलाए और फिर खुद खाए। खाने के बाद जो घर में बचा रहता है उसको अपना नहीं समझो। ऐसा करने पर घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो पदवी अवधूतों को मिलती है वह मिल जाती है। नारायण 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 नारायण। सी ये जो दुख है उसका सीधा संबंध अपने मन से है, और जो बाहर की परिस्थिति है तो महर्षि ने एक्सप्लेन किया है कि थ्री लेवल्स आर देयर, दुख के तीन स्तर हैं, एक निमित्त, दूसरा मैं दुखी, और तीसरा जो है वो है सॉरी दुखाकार वृत्ति, और तीसरा जो है थर्ड लेवल इज मैं दुखी। आई विल एक्सप्लेन ऑल द थ्री। नाउ निमित्त मीन्स जो दुख के कारण है। नाउ योर क्वेश्चन इज अबाउट कि ठीक है हमको कोई दुख हो रहा है तो मैं उसको सहन कर लूँगा, पर वो जो दुख दूसरे को हो रहा है तो वो ये निमित्त हो रहा है, मतलब वो निमित्त बन रहे हैं मुझे दुखी करने में, या बिकॉज ऑफ माय अटैचमेंट आई एम सोरोफुल, इज इट नॉट। सो नाउ दिस इज द सेकेंड लेवल कि दुखाकार वृत्ति, वृत्ति का मतलब एक्सप्रेशन, दिस समथिंग हैपन दैट इज सर्कमस्टेंस दैट इज निमित्त, एंड दुखाकार वृत्ति मीन्स नाउ आई एम इन्वॉल्व इन दैट। नाउ द थर्ड लेवल मैं दुखी हूँ इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड टू आंसर योर प्रॉब्लम। मैं दुखी हूँ मैं कौन है वो समझना पड़ेगा, देन ओनली दिस क्वेश्चन विल बी रिजॉल्व। नाउ दिस मैं इज मुकुंद, दिस मैं इज गोविंदानंद। जस्ट नाउ आई वॉज सेइंग थ्री अहम, वन इज मुख्य अहम, मुख्य मीन्स प्रिंसिपल दैट इज कैपिटल आई। मुख्य अहम जो है वो हमेशा कैपिटल आई के रूप में, इट इज अनटच्ड बाय एनीथिंग, दिस द ब्यूटी, बिकॉज इट इज शटलर देन द स्पेस। तो वो जो आत्मा जो कि मेरा रियल आइडेंटिटी है, जिसके बारे में आई एम राइट नाउ 269, टू मी 70 से भी मोर इम्पोर्टेंट इज 269। इट सेज कि हमारे लिए वो रात है, रात है का मतलब आई हैव नो एक्सेस टू इट, कि व्हाट इज दिस मुख्य आत्मा विच स्क्रिप्चर्स आर सेइंग। तो मुख्य आत्मा चूंकि हम नहीं जान रहे हैं वो हमारा रियल आइडेंटिटी है, सो नाउ वी आर ओनली इन दिस फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल में क्या गड़बड़ हो रही है कि वो जो मुख्य आत्मा है इट इज आइडेंटिफाइंग विद दिस मिथ्या आत्मा एंड दिस गौण आत्मा। सो दिस आइडेंटिफिकेशन व्हाट हैपन्स दैट मुख्य आत्मा इज नेवर सीन इन इट्स प्योरिटी, इसीलिए वी से सेल्फ रियलाइज्ड। व्हाई? बिकॉज दे हैव सीन वेरी क्लियरली दैट दिस गौण आत्मा एंड मुख्य आत्मा सॉरी मिथ्या आत्मा दैट मीन्स टोटल मुकुंद गोविंदानंद वट एवर मीन्स इंक्लूडिंग अवर दिस ग्रॉस बॉडी शटल बॉडी एंड द कॉजल बॉडी। दिस इज अगेन ए वेदांताज दिस थिंग अप्रोच, बट यू नीड नॉट नो राइट नाउ अबाउट ऑल दिस थ्री, दे आर ऑल टूगेदर मिथ्या आत्मा। दैट मीन्स दिस इज नॉट मी, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जो पूरा व्यवहार है
वो मिथ्या आत्मा द्वारा ही होगा. मुख्य आत्मा विल नेवर कम एंड डू एनीथिंग. इट विल जस्ट प्रोवाइड द लाइक इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट से यू फ्रिज चला लो, हीटर चला लो, एनी डिवाइस, यू नो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनीथिंग. इट इज़ ओनली गिविंग यू द करंट. इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटर में ये दे आर सीइंग ऑल दिस थिंग अश्लील, यू नो, ब्लू फिल्म एंड ऑल दैट. दैट इज देयर लुकआउट. दैट इज नॉट द लुकआउट ऑफ द करंट. सो आत्मा विल गिव द सत्ता, चित्ता एंड आनंद. सत, चित्त और आनंद आत्मा का स्वभाव है. सत मीन्स एग्जिस्टेंस, चित मीन्स नॉलेज. नॉलेज मीन्स प्योर नॉलेज, नॉट दिस नॉलेज. नॉलेज इन इट्स प्योर फॉर्म, डोंट अटैच एनीथिंग. नॉलेज, दैट ज्ञान इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ ए परमात्मा और आत्मा और मी, आई एंड आनंद. आनंद अगेन, वी आर ओनली एबल टू एन्जॉय द थिंग्स विद द व्हाट यू कॉल इट, उपाधि से. उपाधि मतलब वी नीड समवन. समवन मतलब गोविंदानंद. एंड देन गोविंदानंद के साथ में देन ब्रेकफास्ट थिंग्स आर कमिंग वेरी नाइस, दिस दैट, जो भी है भोग विलास. तो ये भोग विलास का आनंद हमको अनुभव में है. पर यू मस्ट थिंक कि सुषुप्ति में जब ये भोग विलास नहीं है, स्टिल यू आर इन द आनंद. व्हाट इज दैट आनंद फॉर विच यू आर, ए पॉइंट विल कम, जितना भी भोग विलास है, तुम्हारा फियांसी होने दो, कोई भी होने दो, सबको छोड़ के यू लाइक टू गो टू स्लीप. दैट मीन्स द स्लीप में जो आनंद है वो कुछ उससे भी बड़ा है. पर उस आनंद के अंदर हम क्या करते हैं कि जाते तो हैं पर उसका नॉलेज नहीं है. तो एवरी हर 24 घंटे में ईश्वर की एक कृपा है कि वो हमको उस आनंद में भेजता है. वो खुद ही है, परमात्मा ही है वो. तो वो परमात्मा अपने साथ हमको मिला लेता है. तो उस आनंद की बात कर रहे हैं, नॉट दिस भोग विलास के आनंद. तो वो सुषुप्ति का जो आनंद है वो मुख्य आत्मा का असली स्वरूप है. पर वो स्वरूप हमको, वी विल हैव टू नो इट ड्यूरिंग द वेकिंग स्टेट. व्हाट इज इट, दैट्स व्हाई दिस सत्संग. सो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दिस फर्स्ट लेवल ऑफ द दुखम वी हैव नो कंट्रोल. द थिंग्स विल कम, सर्कमस्टेंसेज विल कम, है ना. वी नेवर आस्क फॉर इट. ऑन द कॉन्ट्ररी, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग बाई विच दे शुड नॉट कम. पर इन स्पाइट ऑफ अवर ऑल एफर्ट्स दे कम. सो हियर आई सी दैट यू नो दे आर इन सम सोरो एंड दैट इज गिविंग मी द सोरो. सो नाउ वी हैव टू एनालाइज दिस. द एनालिसिस विल टेल अस दैट वी Because they are my parents, okay. So now the neighbor parents of my friend doesn't affect me, but my attachment to them obviously is affecting me. There is so much sorrow in the world that doesn't affect me. But Murli Lata, hana, you are the only son. Hey, teen behne bhi hain, par wo to apne apne ghar gayi na. Unko koi zyada, the parents will not be telling them also. Even if there is something, but you are there to participate also. तो एक जो इकलौता सन है, पहले क्या है, बहुत बड़े परिवार होते थे, छः छः सात सात बच्चे, तो भी इतना ये नहीं था, क्योंकि there is the things will get, you know, distributed. But the only son means Mukund, तो Mukund will have to only see कि भाई लता मुरे को क्या हो रहा है. तो this is something which is not under my control. I never asked God कि I want to be the only son. In fact that कोशिश तो यही थी कि लड़कियां हो गई नहीं. पर वो लड़कियां एक के बाद एक होती गई, तो फिर बाद में मुकुंद आया. एनीवे, तो ये जो निमित्त जिसको हम कहते हैं, महर्षि इज एक्सप्लेन, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं. तो हमारा कंट्रोल नहीं होने के कारण ये निमित्त को हम रोक नहीं सकते. वो जो है वी हैव टू एक्सेप्ट इट. नाउ एक्सेप्टिंग, नाउ व्हाट इज इट विच इज मेकिंग मी सोरोफुल, इज दिस अटैचमेंट. अटैचमेंट इज अगेन इट्स कॉमन बिकॉज आई एम अ सन, दे आर पेरेंट्स. अटैचमेंट को भी कैसे हटाएंगे, तो उसको भी हटाने की कोई जरूरत नहीं है, लेट इट रिमेन. नाउ सेकेंड इज दुखाकार वृत्ति. दुखाकार वृत्ति मीन्स आई एम दिस एक्सपीरियंस ऑफ द दुख. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड लेवल इज आई एम एबल टू सी दैट मुकुंद इज सोरोफुल बिकॉज ऑफ दैट. So that means there is some witness of Mukund also. Do you get my point?
Otherwise, you will not question it, thinking that, you know, this is something which there is no, there is no, what you call it, solution to this question. But the very fact the question is asked, it seems means it is definite that there is a solution. The solution is this. The second level of the dukkha, if one very, very, with the subtle, kya bolte hain, intellect, if one is able to see, to wo dekhega ki iske andar koi dukhi ho raha hai. Wo kon dukhi ho raha hai? Govindani ya Mukund. This is known as dukhakar vritti. Now, Mukund dukhi ho raha hai, to why this mukhya aham should participate ki main dukhi hu? The moment this dukha is identified with the mukhya aham, that is the, you know, doom. Why doom? Because mukhya atma at no cost can be remain. It's a, uska anand uska swarup hi hai. To jiska anand swarup hai, wo to kabhi dukhi ho hi nahi sakta. But here, with my foolishness, I have identified. Now, this is something which is, I have not done it. It is natural to everyone. Hana? So here is the wisdom. The Gita wisdom, you may call it Upanishad wisdom or the Rishi wisdom. That I should now investigate that who is this Mukhya Aham. And Pura is your fifth chapter, any chapter you pick up, you are doing Gita, it will be only saying about this self-realization, self-realization, self. What is this self-realization? Atma Sakshatkar. Atma Sakshatkar means, usko le lo na, you take it, usko. Narayan, 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 Narayan. Atma Sakshatkar means only this, that jo main hu wo mujhe janna padega. In logon ne apne ko jaan liya. Plus, they have propagated the teaching. So now we are able to share it. We are able to discuss it. And that too at a very, you know, beautifully explained. Now these three levels, nowhere you will find. It's all by Maharashtri. Dukke teen astar, Anandra Swatnakar, there is a one page. So, usme nimitta ka sangharsh karne ki koi jarurat nahi hai. We have to accept it. You are son of Lata Murli, you have no choice in that. Other way round also. For them also there is no other choice. Mukund is their son. Hai na? So, ye to Ishwar Pradatta ko swikar karna padega. Yosna Ben, Surendra Bhai, ek dusre ki pati patni hai. Ab usme unko koi choice nahi hai. To nimitta jo hai, wo to rahenge. निमित्त से हम संघर्ष करते रहे, क्यों ऐसा पति मिला या क्यों ऐसी पत्नी मिली या क्यों ऐसे पेरेंट्स मिले या पेरेंट्स कहे क्यों हमको ऐसा बच्चा मिला, इट इज ऑफ नो यूज. देन कम टू द सेकंड लेवल. सेकंड लेवल में महाराष्ट्री सेज कि यू कैन डू वेरी लिटिल. दैट टू हु विल बी एबल टू डू? नंबर वन, हु इज अ ग्रेट डिवोटी, जो भगवत भक्त है वो, अथवा योगी. What they can do at the second level? At second level, when the sorrow is coming, they will try to, you know, say that, Lord, you know, you are, I have surrendered to you, so I accept whatever you are giving me. Bhakt will not have any hesitation. Ab ye munim munim ka ye chal raha hai na? Munim ban jao matlab, wo dukha dadmi aa gaya, he has to tolerate. Why he has to tolerate? Because wo set ne bheja hai. Why should I tolerate this dukkha which is coming from parents ko hai, mere ko dukkha ho raha hai, what should I do? So, you have to tolerate. Why? Because ye dukkha bhi jo aya hai, wo bhejne wala kon hai? Wo munim ko bhejne wala, sorry, munim ko wo aadmi jo bheja, jo humko dukkha de raha hai, wo aadmi kisne bheja? Seth ne. Example, here we have to understand the life. To life mein ye dukkha kahan se aaya hai? I never asked for it. And here I see, because they are getting sorrowful, so it comes to me. Then we understand that kuch Ishwar kuch kar raha hai. By sending dukh, he is doing something. To usme ek calendar ka pages hai na, Maharshi ka. Usme ek aayega ki dukh ka swagat karo. You welcome the sorrow. To dukh ka swagat karo, kya bol rahe hai Maharshi? Ki ye dukh bhi jo aaya hai, wo kuch safai karne ke liye aaya hai. Means it has come for some purpose. There is a purpose in it. So now here we are only seeing the, kya bolte hain, only the gross thing, ki why they are dukhi, kyo dukhi hain, etc., etc. We are not able to see the God. Do you get my point?
We are only analyzing the situation and what can be done to solve that problem. But here this fellow who is walking on this path, he will also take into consideration. He will not ignore those factors. Factors will have to be taken into consideration, but still a very subtle factor is that it is sent by God. So dukhakar vritti, now second level, Mukund, dhyan dena, second level pe who will be able to work, jo ki bahut achha devotee hai, or a yogi. To yogi kya karega, ki us samay apne ko samadhi mein chala jayega. To for that much period, that is, you know, and then slowly he is getting used to it. Here the impact is so much so, that neither we know yoga, at least you know a little, anulom pratilom, ye sab kar rahe ho, but that is only for the, you know, you may call it for the health or, you know, good physique or whatever. But this yoga is taking into consideration the satsang also. This is not pure yoga. Yogi, when they say, the yam and niyam is the basics. The yam, niyam takes into consideration so much of, what you call it, perfection of life. Satya, ahimsa, brahmacharya, asteya, aparigraha, these are yam. Niyam means shauch, santosh, tap, swadhyaya, ishwar pranidhan. These first two, ashtang yoga they call it. Yoga jo karte hai na, to usme, abhi, your father will be knowing this. To ashtang yoga mein, yam is number one. The yam is again five. Then niyam, just now I have said, I am not going to go into detail. Niyam again five. Then comes the later six. Asana, pranayam, which you know. Then pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. So this samadhi fellow will have into, it has taken into consideration right from the yama. Here people who are doing yoga, neither yama nor niyama. Begins with the asana, pranayam, pratyahar. So yam niyama is the foundation. So without foundation, the yoga is, you know, in the world going on. Anyway, so here a genuine yogi will be able to take care of this second level. Or a great devotee. That dukkhakar vritti means he will know that there is a sorrow, but devotee will know that it's sent by God, and he will be having that custom, but he will say to himself, never mind. Bhagwan ne bheja hai na, kuch hamara achha hoga. You understand? So this is at second level. And third level, where because of which I am doomed, is this identification, which again will come as a avarna. It will be covered in the fifth chapter. We will do few slokas. Usme kafi kuch, you will get the knowledge if you are with us. So third one is the most, what you call it, practical, Maharashi says, and can be done by anyone, for which you need not be a devotee, you need not be a yogi, but बस अपना बुद्धि तेज होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है तो क्यों हो रहा है तो आत्मा तो जो कि हमेशा आनंद में ही रहता है उसको हमने इसमें मिला दिया तो उसको नहीं मिलाना है उसके लिए क्या करना है एक्सेट्रा तो वो विल डिस्कस दिस सो दिस यू रिमेंबर द निमित्त मींस द सर्कमस्टेंसेस व्हिच वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल सो a person will be foolish. Of course, he must try. Let us say cancer has come to a person. So, one must take the treatment and all that, whatever is to be done. But then, second level, the bhakta, we may call it, yogi to bahut kam log hote hain. So, bhakta will put up with it. And the third level is very, very important. Ki main to dukhi ho nahi sakta. Hai na? Means this very fact when someone says to the Mahatma, कि मैं दुखी हूँ तो महात्मा को अंदर ही अंदर हंसी आती है वाई बिकॉज ही नोज कि वो जो मैं बोल रहा है ना कि मैं दुखी हूँ वो परमात्मा है ही हिमसेल्फ इज अ ईश्वरा बट लुक एट द ईश्वरा दैट व्हाट रोल ही इज प्लेइंग कि वो बोल रहा है मैं दुखी हूँ परमात्मा तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता तो महाराष्ट्र इज एबल टू सी द लॉर्ड बट देन एट द सेम टाइम बिकॉज द लॉर्ड इज सेइंग मैं दुखी हूँ तो एज इफ लॉर्ड इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ दुखी देयर एंड हियर इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ गुरु सो वो गुरु Then he gives the Updesh ki dekho beta, ye dukha ka istar hai, never fight with the circumstances. Dukhakar vritti mein, you do this. Hana? Either devotion or the yoga. And third one, which Maharashi says is very practical and can be done by anyone, is this. Vedant. So Vedant is why this Gita, when you will go again and again deep,
you will find that Gita dismisses everything. Dukhi ho hi nahi sakta. Vyakti dukhi hai matlab wo bhrant hai. Bhrant hai matlab he is imagining something which is not there. There is a person who is in earlier days, वो विदेश में था, दो जने गए थे, तो पिताजी को न्यूज़ मिली कि आपका बेटा मर गया. पिताजी दुखी हो गए, है ना? पर एक्चुअली न्यूज़ पहुँचते पहुँचते ऐसा हो गया था कि बेटा नहीं मरा था, वो बेटे का मित्र था, वो मर गया था. डू गेट द पॉइंट? पर जब तक अब वो उसको सच्ची बात नहीं पता लगी तब तक वो दुखी रहा कि नहीं? वो दुखी रहा. और दूसरा जो व्यक्ति है जिसको न्यूज़ मिली कि उसका बेटा तो जिंदा है, तो उसको कब दुख हुआ? जब वो रियल न्यूज़ मिली. रियल न्यूज़ मिली मतलब जब रियलिटी आई कि वो तो इट वाज अ रॉन्ग न्यूज़, उनका ही बेटा मर गया था. देखिए वो तो सुखी था. तो इसका मतलब ये सुख और दुख जो है वो अपना ये जो अंडरस्टैंडिंग है अपने आत्मा के बारे में, दिस इज द एग्जाम्पल. सिमिलरली ये जो रियल आत्मा जो है, जो मैं हूँ, वो तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, है ना? और वो आइडेंटिफाई होकर दुखी हो रहा है, तो इसको समझ लेने से वो रिजॉल्व हो जाता है. टोटल मीन्स होल थिंग वेनिशेज कि सृष्टि ही नहीं है. बहुत बहुत मतलब डीप है, वी विल नॉट गो इन टू दैट, क्योंकि अभी तो मोटा मोटा समझ लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे यू एंटर डीप. नारायण 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 नारायण.